बिहार में जल्द ही आपको विदेशों जैसी टूरिज्म का नजारा देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब तक आप विदेशों में ग्लास ब्रिज के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन अब आप ग्लास ब्रिज को बिहार में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर का भी मौका मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे राजगीर में बन रहे ग्लास ब्रिज के बारे में। चीन में कांच के बने पुल यानी कि ग्लास ब्रिज के बारे में आपने कई बार सुना होगा और उनकी फोटो और वीडियो भी खूब देखा होगा। आपके मन में यह विचार कई बार आया होगा कि इस पर चलने में डर लगता होगा। इसी तरह के न जाने कितने सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। अब अगर आपके दिमाग में यह हरकत हो रही है कि हम भी इस ब्रिज पर चलते घूमते फिरते, तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर में यह ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे नए साल में यानी कि साल 2021 में खोल दिया जाएगा। चीन की तरह पर्यटकों के लिए तैयार हुआ बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, जिसकी लंबाई 85 फुट है और इसकी चौड़ाई 6 फुट है। इस ब्रिज पर एक बार 40 लोग जा सकते हैं। हालांकि डी सेक्शन यानी कि अंतिम छोर पर एक साथ 10 से 12 लोग जा सकते हैं। आपको बता दें कि ठंड के दिनों में राजगीर में लोग पर्यटन के लिए आते हैं। नए साल में राजगीर घूमने आने वालों के लिए यह एक रोमांचक अनुभव होगा। राजगीर में घने जंगलों में नेचर सफारी भी बनाया गया है जो 500 एकड़ में फैला है। यहीं पर आपको ग्लास स्काई ब्रिज देखने को मिलेगा जो शीशा और स्टील के फ्रेम से बनाया गया है। 250 फुट की ऊंचाई पर बने इस ट्रांसपेरेंट ब्रिज पर चलना एक रोमांचकारी अनुभव होगा। इस पर चलते हुए लोग अपने आप को हवा में तैरते हुए महसूस करेंगे। इस ब्रिज को चीन के हेबेई प्रांत के ईस्ट तैंगहांग में बने स्काई वॉक के तर्ज पर बनाया गया है। यह बिहार का पहला और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है। यह ब्रिज राजगीर के अति प्राचीन वैभाग गिरी पर्वत के तलहटी में बनाया गया है। इस पुल में 15 mm की 3 लेयर के शीशे लगाए गए हैं। इसमें लगे शीशे की कुल मोटाई 45 mm है जो पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसके कारण इस पर चलना काफी रोमांचकारी भी होगा। अधिकारियों की माने तो इस ब्रिज के साथ ही यहां आने वाले पर्यटक जीप लाइन एडवेंचर स्पॉट के तहत आर्चरी, तीरंदाजी, साइकिलिंग, ट्रैकिंग पाथ, मड और ट्री कॉटेज, बुटेज हड, औषधि पार्क का भी आनंद ले सकेंगे। अभी इन सभी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नालंदा जिले के राजगीर से गया जिले के जेठियन जाने वाले रूट में घने जंगल के बीच इसे बनाया जा रहा है। इस स्थल से जरासंध अखाड़ा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। नए साल में बिहार को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राजगीर के वेणुवन के अंतर्गत जू सफारी और नेचर सफारी का शुभारंभ होगा। बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने यहां का दौरा कर निरीक्षण किया था। यह मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है। वेणुवन बिहार भगवान बुद्ध से जुड़े अनुयायियों के लिए काफी महत्व रखता है। इसी वेणुवन में भगवान बुद्ध ने राजगीर में कई वर्षों तक निवास किया था। बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।